नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जिज्ञासा पर। मित्रों, हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए। वैसे आप हमें बहुत अच्छा सहयोग दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम आपको बताएंगे कि जानवरों के नाम कैसे पड़े। मित्रों, अलग अलग जानवरों के नाम, बहुत सारे जानवर हैं, बहुत सारे हैं, कई सबके नाम तो हमें मालूम ही नहीं होंगे, लेकिन आज का हमारा विषय यही है कि जानवरों के नाम कैसे पड़े, है ना। तो यहां से शुरू करते हैं। मित्रों, जानवरों के नाम की उत्पत्ति जो हुई है वो अलग अलग तरीके से हुई है। किसी जानवर का नाम किसी जगह की वजह से पड़ा, किसी जानवर का नाम भाषा की वजह से, किसी का उसके रूप रंग की वजह से। तो अलग अलग कारण हैं जानवरों के नाम पड़ने के। आपको मैं बताता हूँ एक जानवर का नाम, इसको आप पहचान जाएंगे कि इसका नाम कैसे पड़ा। ये कौन सा जानवर है? आपने सही बताया, ये है हिप्पोपोटामस, जिसे हम दरियाई घोड़ा भी कहते हैं। मित्रों, इसका नाम, इसके नाम से शुरू करते हैं। इसका नाम पड़ा है यूनानी भाषा की वजह से। इसका नाम यूनानी भाषा में पड़ा है। कौन सा? हिप्पो पोटामस। तो हिप्पो माने होता है यूनानी भाषा में घोड़ा, और पोटामस का मतलब होता है नदी, तो इसीलिए इसे दरियाई घोड़ा भी कहते हैं, हिप्पोपोटामस। इसके अलावा मित्रों, आपको बताऊं एक जानवर है, आप पहचानिए उसे। ये हैं, बहुत फेमस है ये तो। ये जानवर तो आप पहचानते ही होंगे, उम्मीद है। तो ये जानवर है राइनोसरस। राइनोसरस नाम कैसे पड़ा? गैंडा कहते हैं हिंदी में। राइनोसरस नाम भी पड़ा है, मैं अंग्रेजी में लिख के आपको समझा रहा हूं। हिंदी में तो गैंडा कहते हैं, आपको अलग अलग समझ में आ जाएगा। राइनोस का मतलब है सींग, इसके इतने हिस्से का मतलब है सींग, और सरस का मतलब है नाक। तो जिसकी नाक पर सींग है वो है राइनो सरस, गैंडा। तो राइनो का नाम ऐसे पड़ा। इसके अलावा लेपर्ड यानी तेंदुआ, तेंदुए का नाम लैटिन भाषा की वजह से पड़ा। लैटिन भाषा में लेपर्ड का मतलब होता है धारियों वाला शेर। लेपर्ड आपने देखा है, लेपर्ड के शरीर पर धारियां होती हैं, इसलिए लेपर्ड का नाम धारियों वाला शेर पड़ गया। ये उन्होंने क्यों करा? क्योंकि ये शेर जैसा लगता है देखने में, और है ये धारियों वाला, इसके बदन पे धारियां होती हैं, निशान होते हैं, तो धारियों वाला शेर, ये पड़ा है लैटिन भाषा की वजह से। इसके अलावा मित्रों, बहुत सारे जानवरों के नाम हैं, उनके जन्म स्थान पे जन्म स्थान पे उत्पत्ति की वजह से बने हैं। जैसे ये हैं जी अपने कैमल, हैं? कैमल का नाम कैमल कैसे पड़ा? कैमल का नाम कैमल कैसे पड़ा दोस्तों? कैमल का नाम कैमल इसलिए पड़ा क्योंकि ये अरबी भाषा का एक शब्द है, गैमल।
अरबी भाषा के गैमल शब्द से, गैमल मतलब रेगिस्तान में रहने वाला, मतलब गैमल से बन गया कैमल। ऐसी अरबी भाषा से एक और अभी मैंने जानवर बनाया था, उसका नाम है जिराफ। जिराफ का नाम भी अरबी भाषा की वजह से ही पड़ा है, और जिराफ का मतलब है ऊंची गर्दन वाला, ऊंची गर्दन वाला। तो इतना ये नाम पड़े हैं इनकी वजह से। इसके अलावा मित्रों कुछ नाम है मैं आपको बताता हूं, जैसे ऑक्स है या बुल है या डियर है। ये ऑक्स, बुल, डियर, ऑक्स माने बैल, बुल माने सांड, डियर, ये सब नाम पड़े हैं। एक भाषा है एंग्लो सैक्शन, SAXON। आप करेंगे आज अंग्रेजी में बहुत लिख रहे हैं। दरअसल ये नाम की उत्पत्ति इन अंग्रेजी नामों के आधार पे, हिंदी में तो नाम अलग है हमारे, सांड, बैल वगैरह, लेकिन मैं आपको उन नामों की उत्पत्ति बता रहा हूं जहां से आए। एंग्लो सैक्शन कौन सी भाषा है? एंग्लो सैक्शन का मतलब पुरानी इंग्लिश, बहुत पुरानी इंग्लिश, जो इंग्लिश की शुरुआत के समय की अंग्रेजी जो थी वो, ये इंग्लैंड में बोली जाती थी और डेनमार्क के बहुत सारे हिस्से में बोली जाती थी एंग्लो सैक्शन। इस भाषा की वजह से ये नाम पड़े, मतलब इस भाषा में इनकी नामों की उत्पत्ति छुपी हुई, यहां से आए हैं ये नाम, ये ऑक्स, बुल और डियर। और इसके अलावा और कौन कौन से नाम है? इसके अलावा बिल्ली, बिल्ली को अगर आप लें तो ये लैटिन भाषा के गाटा, एक गाटा शब्द है, उससे बिगड़ के बना है कैट। ये इसके नाम की उत्पत्ति की वजह ये। इसके अलावा आप चलिए एक दो बार आपको उदाहरण देता हूं। एक डक है, डक शब्द बना है, पुराना अंग्रेजी का शब्द था ड्यूस, ड्यूस से ही बन गया ये लास्ट में, समझिए अंत में डक। डक का मतलब है पानी में गोता लगाने वाला। ऐसी पुरानी अंग्रेजी, वही एंग्लो सैक्सन की बात कर रहे हैं। उसमें एक और जानवर का नाम है, वो है मित्रों कौन से जानवर का नाम? वो है वुल्फ। वुल्फ जैसा ही लग नहीं रहा पर ये वुल्फ है भाई, मान लीजिए। हर जानवर को मैं इतना अच्छा नहीं बना पाता। वुल्फ का नाम भी पुराने एंग्लो सैक्सन शब्द से बना है। उसमें वुल्फ का मतलब होता था एक प्रकार की लोमड़ी, देखने में लोमड़ी जैसे लगती थी, तो इन लोमड़ी से जुड़ा नाम बता दिया वुल्फ। अब इस वीडियो का अंत मैं करूंगा एक जानवर के नाम पर, इसकी कहानी बहुत ही मजेदार है। इस जानवर को आप पहचानिए, उम्मीद है आप सभी पहचानते होंगे इसे, और अच्छी तरह पहचानते होंगे मित्रों। हाँ जी, यह है कंगारू। कंगारू, कंगारू का नाम कंगारू कैसे पड़ा? एक अंग्रेज साहब थे, वो अफ्रीका के जंगलों में गए थे, अफ्रीका के किसी कबीले में, जहां पर उन्होंने पहली बार इस जानवर को देखा। जब देखा उन्हें उत्सुकता हुई कि जानवर का नाम क्या है। एक दुभाषिया उनके साथ रहता था, लेकिन अंत में एक अपनी मातृभाषा ही बोलता है इंसान, तो उन्होंने उससे पूछा कि भाई इसका नाम क्या है। उसने जवाब में कहा कैंगरू। कैंगरू का, जिसे हम हिंदी में कंगारू कहते हैं, कैंगरू का मतलब होता है, मुझे नहीं मालूम उस कबीले की भाषा में यह होता था, उन्हें लगा इसने इसका नाम बताया कैंगरू, तब से इसका नाम पड़ गया कैंगरू। तो ये थी कंगारू के नाम की, जन्म की बड़ी रोचक कहानी। ऐसे ही हम आपको और जानवरों के जन्म की कहानी,
उनके नाम की और इससे जुड़े और पहलू बताते रहेंगे। हमारे चैनल पे बने रहिए, चैनल का नाम याद रखिएगा जिज्ञासा। आप जुड़ रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ पूछना है तो फोटो के साथ हमारे ईमेल पे भेजिए, हम आपके फोटो के साथ उसका उत्तर बताएंगे। फिर मिलेंगे मित्रों, नमस्कार।